मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया है कि लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर वचन पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के इस वचन पत्र में पिछड़े, दलित, आदिवासी, युवा और महिलाओं के मुद्दे को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में लगभग यह तय हो गया है कि राज्य अब पंचायत और निकाय चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनके बयान को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पंचायत और निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ओबीसी के साथ हर हालात में न्याय होगा। हम 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को देकर पूरा न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा रखे गए ट्रिपल टेस्ट के अर्थ न होने के कारण नगरीय निकाय चुनावों में भी ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन सरकार जल्दी जारी करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वैशाख माह की मोहिनी एकादशी के अवसर पर नर्मदापुरम में मां नर्मदा की महाआरती हुई। सेठानी घाट नर्मदा तट पर पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में महाआरती संपन्न हुई। बनारस गंगा की आरती की तर्ज पर नर्मदापुरम में महाआरती होती है। हर महीने पूर्णिमा और विशेष पर्व पर महाआरती होती है। प्रदेश में 13 मई से प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर हीट वेव रहेगी। भोपाल के राजगढ़, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, छतरपुर, दमोह और सागर डिवीजन में लू चल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन उड़ीसा की तरफ बढ़कर कमजोर हो रहा है।